और उसे मजबूत मजबूत ठीक है फाइन, करने की नेक्स्ट। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ठीक है जाती थी। नेक्स्ट, मैं बोला था 1-1 मिनट समय दूंगा। नेक्स्ट कीवर्ड्स खाली हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कौन है, कौन बोलेगा? देखिए ये जो G20 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आप में से जा रहे हैं डीआरडीओ की परीक्षा देने। सावित्री 1 मिनट, डीआरडीओ की परीक्षा देने, उनके लिए भी यह काम आ जाएगा आज जो हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो फिर पढ़िएगा, कुछ खास खास बातों पर मैं चर्चा कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट, सावित्री जी बोलना चाह रही हैं। सावित्री बोलिए, सिर्फ 15 मिनट हम चर्चा करेंगे फिर हम अनुवाद में प्रवेश करेंगे। सावित्री बोलिए। हाँ सर मैं बोलूं? सर हाँ जी बोलिए सर G20 का मीनिंग ना क्या? बाबा ना, क्या बोला था मैंने? G20 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पे हमें चर्चा करनी थी। जी तो हाँ बोलिए। सर पहले मैंने स्टार्टिंग की, इसका थीम क्या था, इसको मतलब क्यों इसका थीम रखा गया? तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, और उसका हाँ लोगो जो था, जो हाँ G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग को केसरिया सफेद और हरे एक नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। ये लोगो था इसका। अब इसकी अच्छा प्रस्तावना, ग्रुप ऑफ 20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। ये सभी हाँ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट कौन है? हाँ बोलो सर। बोलिए। सर G20 की स्थापना 1999 में की गई थी, लेकिन अरे बोल। 2008 में हाँ विश्व विश्व जो 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, हाँ उसके बाद यह विशेष रूप से मतलब सर प्रकाश में आया सर। अच्छा वेरी गुड। और सर बस मैंने इतना इसके ही? सर मैंने हाँ इसके बोलिए। सिर्फ और सर मतलब इसके विषय में इसके भी लिए लिखी करिए। हूँ सर। अच्छा ठीक है, ममता बोलिए, ममता बोलिए। हाँ सर मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे कि इसके क्या-क्या फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं बोलिए। सर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया लोकल फॉर वोकल, ये इसके ये फायदे हैं। फिर जब वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जो बाद में देशवासियों के लिए इसके ये फायदेमंद होगा। अच्छा सर कुटीर और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इससे लोक कला को भी बढ़ावा मिलेगा वेरी गुड। और चलिए पर्यटन हाँ, और स्थल कोई? की लोकप्रियता बढ़ेगी और दुनिया भर में और इसके इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है वेरी गुड। और सर जैसे G20 से भारत की जो छवि होगी ब्रांड इंडिया के तहत मजबूत होगी, और इससे दुनिया भर में भारत के एक उत्पादों में भी बढ़ोतरी होगी और पर्यटन वगैरह ठीक में है फाइन, बहुत भी अच्छा, नाम आपने भी अच्छा होगा। पकड़ा है। नेक्स्ट कौन? लक्ष्मण कुमार हाथ खड़ा दिया, लक्ष्मण बोलिए। बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी सर, G20 विश्व के 85% अर्थव्यवस्था का एक समूह का ग्रुप है सर, अच्छा और इसमें हाँ लगभग दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश संलिप्त हैं, जैसे अमेरिका, जापान, भारत, चाइना और भी है सर। तो जब हम भारत की बात करें तो भारत में, भारत के इससे सर बहुत, तो हर क्षेत्र में भारत को इससे फायदा है सर। एक तरीका से देखा जाए तो भारत विश्व का गुरु, अभी विश्व गुरु के रूप में लीड कर रहा है, और इसका एक अच्छा बहुत बड़ा श्रेय विश्व G20 को भी जाता है सर, क्योंकि G20 का अध्यक्षता फर्स्ट टाइम भारत में, भारत कर रही है इसकी, और दुनिया के तमाम देश हमारे यहाँ आएंगे तो इससे एक यहाँ का इकोनॉमिक बूस्ट होगी और ठीक यहाँ है। पे लोग अनु निवेश बताएंगे, करेंगे। अनु आप बताइए, अनुगिरी, सर ये जी अनुगिरी, 20 देशों का समूह है, जिसमें कि वेरी गुड। सब हाँ सब मिलकर अपना अपना आर्थिक विकास, राजनीतिक और सभी तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कहते हैं, स्थिर विकास, वो अपना करने की प्रयास कर रहे हैं एक तरह से। इसमें भारत की जो मेन स्थिति है, भारत क्या करेगा कि अपने पर्यटन देश अपने पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, और साथ ही साथ जो राजनीतिक आजकल जो राजनीतिक चल रहे हैं, जैसे कि युद्ध वगैरह, उसमें भी भारत की क्या वास्तविक स्थिति है, भारत क्या रणनीति अपनाना चाहता है, उसको अभी तक डिप्लोमेसी या मतलब कूटनीति की तरीके से देखा जाए, तो इस बार भारत अपने जो है विचार अच्छे तरीके से प्रकट कर पाएगा कि एक्चुअली में भारत
अपना क्या वो सोच रखता है चाहता अपने गया देश में भारत। यूथ के ठीक है प्रति। फाइन, और कोई बोलेगा? सर मैं और बोलूंगा कोई सर। आप? आई सर, हाँ बोलिए, कहाँ ही देखिए बोलिए। सर, G20 तो 20 देशों का एक समूह ही है। इसका दो पक्ष है सर, हम एक इसको बाहरी रूप में भी इसका लाभ दे सकते हैं और आंतरिक रूप में भी दे सकते हैं। मैं ज्यादा आंतरिक रूप में जाना चाहूंगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हर राज्य में G20 के हर कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया जा रहा है। जैसे हमने हाल में कश्मीर में देखा, कश्मीर को बहुत ही ज्यादा उसको अच्छे तरह से पेश किया जा रहा है कि कश्मीर की क्या मान्यता है भारत को लेके, उसको क्या उसकी सोच है, और बहुत सारी तकलीफ और आंतरिक अंतर्द्वंद होने के बाद भी कश्मीर में एक अच्छी तरह से एक फिल्म और जो हमारे संस्कृति है उसको बहुत अच्छे तरह से उजागर किया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा देश के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। और यही नहीं सर, कश्मीर ही नहीं, साउथ के सारे स्टेट हुए और नॉर्थ के सारे स्टेट को, बकायदा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को भी बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के उसको पेश किया जा रहा है। सिर्फ हम अपना ठीक भारत है को ही थैंक पेश नहीं यू कर रहे हैं, थैंक हम अपने यू। भारत के साथ साथ अपने छोटे छोटे राज्यों को भी पेश कर रहे मैं हैं। बात करूंगा बाद में कन्हैया जी। नेक्स्ट लक्ष्मीगिरी, लक्ष्मीगिरी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सर, आवाज आ रही है? हाँ आप हाथ खड़ा की थी ना। सर, मैं बोल रही थी G20 की अध्यक्षता, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है सर। और इसमें इसकी हाँ अध्यक्षता से भारत को आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन, सामरिक और शिक्षा क्षेत्र में अनेकों लाभ मिल सकेगा। और अच्छा इसके जरिए मेक ठीक इन है इंडिया फाइन, का छोड़ भी। दीजिए। और कोई? अच्छा बोला आप लोगों ने, और कोई बताना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा? थोड़े से टिप्स मैं दे दूं। अनुगिरी आपका हो गया, और कोई बच गया है जिसने हैंड्स अप किया हो? अंजलि ने बोल लिया ना, अनु। ठीक है मैं कुछ बताता हूं इसके बारे में। देखिए जब भी किसी, मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि जब भी आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाए, एस्से राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, तो कोई एक विषय होता है ना, सब्जेक्ट मैंने आपको क्या दिया था? G20 दिया था, तो थोड़ा सा तो आपको G20 के बारे में बताना पड़ेगा ना। सीधे इंडिया पे आप लोग कूद आए, भले ही मैंने पूछा था कि G20 के भारत के लिए क्या मायने हैं, लेकिन आपको दर्शकों को बताना पड़ेगा ना G20 है क्या। G20 बताने के लिए आपको इसका इतिहास सबसे पहले बताना पड़ेगा। इतिहास क्या है इसका? G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 सर, 1991 1990 में सर, इसकी, 1990 में इसकी स्थापना हुई नाइनटीन थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी जो है, उसके जो भी देश हैं उन लोगों में आपसी सहयोग के माध्यम से आर्थिक जो तंगी आ जाए या आर्थिक कमी जो आ रही है उसको दूर करना। G20 मतलब ग्लोबल 20, 20 देशों का ही समूह होना था जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लेकिन इसमें और भी कई देशों और समूहों को इन्होंने स्थान दिया। जैसे 2007 में शुरुआत तो 1990 में हुई थी, लेकिन उस समय देशों के फाइनेंस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री शामिल होते थे इसमें, ठीक है। लेकिन फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जब होना शुरू हुआ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के मद्देनजर सन 2007 में इसको अपग्रेड किया गया, और इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उनको भी शामिल किया गया। और 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें इन्होंने बहुत काम किया, एक दूसरे देशों की मदद करना, एक दूसरे देशों की समस्या समझना, इस पे इन्होंने बहुत काम किया था। और इसमें यूरोपियन यूनियन से लेकर के 85% देश कह सकते हैं शामिल थे। इसमें नॉन मेंबर्स, एक तो हो गया मेंबर्स जो हैं, और जो नॉन मेंबर्स हैं, नॉन मेंबर्स में बांग्लादेश, सिंगापुर, नाइजेरिया, स्पेन, इनको बुलाया गया था, और उनके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थानों को भी आमंत्रित किया जाता है या फिर बुलाया जाता है। इन संस्थानों के आने से क्या होगा कि ये जो G20 का ग्रुप है इसमें और मजबूती आएगी, और इसके जो नियम कानून कायदे
या एक दूसरे की जो मदद की भावनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी आएगी। इसके बाद फिर आपको ले आना है कि ये G20 की जो अध्यक्षता है वह हर वर्ष किसी नए देश को जाएगा। जैसे अभी भारत के पास है, इसके पहले ये कहाँ हुआ करता था? बाली फिजिकल का नाम सुना इंडोनेशिया में आपने? अभी बाली में हुआ सर, इंडोनेशिया। जी बाली में हुआ था। बाली कहाँ का देश है? मतलब उसका इंडोनेशिया इंडोनेशिया के इंडोनेशिया बाली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगले वर्ष यह ब्राजील में चला जाएगा और उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका के पास ये चला जाएगा। अब यहां तक आपको एक्सप्लेन करना ही होगा, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं हमारे पाठकों को या दर्शकों को उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप इसमें लिखना शुरू करेंगे कि भारत में कब आया, भारत में आने के बाद भारत ने क्या प्लान किया था। तो पूरे भारत में 200 मीटिंग इसके लिए प्लान किए गए थे। 200 जगहों में इसकी बैठकें आयोजित की जाएगी, जिसमें पर्यटन है, स्वास्थ्य है, कंप्यूटर है, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित बैठकें होगी। और लगभग बैठकें हो रही है, और हाल ही में किस पे हुआ बैठक, किस पे हुआ? पर्यटन पे हुआ। कन्हैया जी खाली हाथ मत हिलाइए, बोल दिया करिए, ठीक है। सर, तो ये इसमें कश्मीर में हुआ था पर्यटन पे और फिल्म जी इंडस्ट्री को बिल्कुल, लेके। हाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के हुआ था। और इसमें लगभग 30 देशों के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं, कुछ नॉन मेंबर्स हैं वो भी इसमें आए हैं। और अब भारत के लिए मायने क्या है, मान लीजिए आप 200 शहरों में ये बैठक आयोजित कर रहे हैं, 200 लोकेशन 60 शहरों में, तो वहां 30 देशों के प्रतिनिधि आएंगे, तो वहां कुछ ना कुछ तो खरीदारी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर छोटे से छोटे ढंग से देखा जाए तो वहां की चीजों को देखेंगे, वहां की चीजों को समझेंगे, इससे क्या होगा, व्यापार बढ़ने के आसार बढ़ेंगे। वहां की कुछ चीजें हमारे पास आएंगी और हमारे यहाँ की अच्छी चीजें जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए कलकत्ता में पहली बैठक हुई थी, तो उन लोगों ने शांति निकेतन देखा होगा, या कलकत्ता में और भी जगहों पर गए होंगे। हो सकता है कि उनमें कोई ऐसा रहा हो जो तांत की साड़ियां बनती हैं बंगाल में, तो उसे भी देखा होगा किसी ने, वहां भी एक व्यापार का अवसर मिलता है। इसी तरह मान लीजिए अगर वही लोग वाराणसी घूमने गए, तो वाराणसी में भी साड़ियों का उद्योग है, सिल्क साड़ियों का उद्योग है ना, बनारसी साड़ियों का, या और भी चीजें हैं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा, यहाँ की यादें लेकर के जाएगा, तो अपने देशवासियों में उन यादों को बांटेगा, और उन यादों को बांटेगा तो वहां के लोग हमारा देश देखने आना चाहेंगे। अब जैसे कश्मीर में भी जितने डेलीगेशन आए हुए थे, जितने प्रतिनिधि आए थे, सभी ने वहां डल झील का मजा लिया, वहां यहां वहां घूमे, चीजें देखे। तो अब तो यह भी बात हुई है कि फिल्मों की शूटिंग के लिए भी हम कश्मीर के दरवाजे खोलेंगे। जैसे हॉलीवुड की काफी फिल्में, जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी आई थी, फिर आयरन मैन की मूवी आई थी, ताजमहल के पास शूटिंग हुई थी, जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी उसमें भारत में शूटिंग हुई थी। तो विदेश से जब यहाँ शूटिंग करने आएंगे तो जो लोकल लोग हैं उनका भी तो रोजगार बढ़ेगा, यही यहाँ फायदा है। और उसके बाद मैत्री संबंध जब बढ़ेगा एक दूसरे देश से, तो आपस के झगड़े भी खत्म होने के आसार बनेंगे। विविध विषयों पर विविध समय में लोग वार्ता करेंगे, और इसको फिर आप थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। क्या लगता है, सही जा रहा हूं या ट्रैक पे नहीं हूं मैं? नहीं सर, ठीक है सर। सही है सर, सही है। अब आप अगर इन चीजों को शामिल करेंगे, सबसे पहले G20 क्या है, G20 का संगठन कब बना, इसका छोटा सा इतिहास 6-7 लाइन में, कि कैसे शुरुआत हुई, कब हुई, इसकी प्रेसिडेंसी किस किस को गई। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। काफी पहले जब G20 शुरू हुआ उसके दूसरे दिन ही मैंने किया था। तो उसके बाद भारत में आए, किस किस शहर में गए, क्या क्या बैठकी हुई, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके ऊपर जितनी बैठकें हुई हैं, जितनी भी इस पर समाचार हैं, आप लोग खंगाल डालिए, इंटरनेट ढूंढ डालिए। हाँ एक प्रश्न है सर। बोलिए। सर, महिला सशक्तिकरण में G20 की भूमिका को अगर देखें तो किस रूप में देख सकते हैं? बात करेंगे, G20 में भी उस पर चर्चा हुई है महिला सशक्तिकरण पर,
और महिलाओं को लेकर के ही एक बैठक हुई थी, ठीक है। जैसे दिसंबर 13 से 16 दिसंबर तक 2022 में ये महिला समिति की बैठक हुई थी। कब हुई थी? 2022 दिसंबर 13 से 16 तक। इसका नाम था इस बैठक का डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, DWG मीटिंग। इसके बाद और भी हुए थे महिलाओं का, नहीं सॉरी ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप नहीं है, महिलाओं वाला दूसरा था शायद, ये तो मैं मुंबई वाला खोल लिया। आप देखिएगा वुमेन्स पर भी हुआ था, और उस समय कुछ राजनीति भी गरमाई थी भारत में, ठीक है। इसके ऊपर पूरा लेख आप लोग इकट्ठा करने की कोशिश करिए। और इसका थीम भारत के लिए क्या था? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसको याद रख लीजिएगा। इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का थीम लेकर के ये चले थे। और इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये देश शामिल हुए थे। इसके अलावा इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU चेयर, NEPAD चेयर, आसियान ASEAN चेयर, ADB, ISA और CDRI जैसी संस्थाएं भी शामिल हुई हैं, ठीक है। भारत का क्या, भारत की प्रायोरिटी क्या हैं? ग्रीन डेवलपमेंट या क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ, ये पहली प्रायोरिटी है भारत की। उसके बाद है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट ग्रोथ, उसके बाद है एक्सेलरेशन प्रोग्रेस ऑन SDG, उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे बैठक हुई थी। उसके बाद है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी, उसके बाद हुआ था वुमेन लेड डेवलपमेंट, और इसमें महिला एंटरप्रेनर शामिल हुई थी। और इसके अलावा इसमें मतलब महिलाओं को सामने लाने या महिलाओं को आगे लाने के विषय में ज्यादा चर्चा हुई थी, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंसी टर्म एजेंडा पे भी चर्चा हुआ था। फिर कल्चरल इनिशिएटिव हुए थे जिसमें जन भागीदारी एक्टिविटी हुई थी। फिर स्पेशल यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें 75 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल हुए थे, मतलब 75 शिक्षण संस्थान भारत के, और 100 एशिया ASI मॉन्यूमेंट के लोगो लगे हुए थे, उनके कलर लगे हुए थे। और इसमें नागालैंड का एक फेस्टिवल होता है हुमबिल, इस पर भी विशेष चर्चा हुई थी। सैंड आर्टिस्ट, एक बालू से जो बनाते हैं मूर्तियां, श्री सुदर्शन पटनायक, इन्होंने G20 का जो इंडिया का, भारत का जो लोगो है वह पुरी में बनाया था, पुरी के बीच में भी। मैं पुरी गया था तो हम, मैंने उन्हीं के जैसे एक व्यक्ति को देखा, बहुत सुंदर माँ दुर्गा का मूर्ति बनाए थे, ठीक है। और इस तरह से हर राज्य में लगभग एकाध बैठक हुई है। इसका पूरा विवरण आपको मिल जाएगा PIB इंडिया, PIB इंडिया भारत सरकार का यह क्या बोलते हैं इसको, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, भारत सरकार की सूचनाएं आती हैं तो उसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो अभी तो बताएं मुझे, बोलिए। आप लोग बोलते नहीं, बहुत खराब आवाज है, क्लियर है सर। ठीक है तो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, क्लियर है सर। इसका तो कुछ बजट भी रखा गया होगा। बजट भी होगा, सारा विवरण आपको मिल जाएगा। PIB इंडिया का लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग उसे जा करके पढ़ लीजिए और जो आपको उचित लगे उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रश्न? सर एक प्रश्न था सर, इसका शायद इसका 27 करोड़ तक शायद अनुमान लगाया गया है। जो भी हो आप देख लीजिएगा विवरण, मैंने इतना बारीकी से खंगाला नहीं। मैं तो आशा कर रहा था कि आप लोगों की तरफ से ज्यादा जानकारियां आएंगी, फिर हम उसको साझा कर लेंगे, लेकिन उतनी चीजें आपकी तरफ से आई नहीं। लक्ष्मण जी, क्या प्रश्न सॉरी था सर, आपका? मैं थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन मैं इस पे कुछ बोल सकता था, आप बोल संदेश तो नहीं। मैंने सवेरे ही दे दिया था, अब 12 घंटा अगर लेट हो तब तो नहीं चलेगा ना। सर जैसे कितना पहले, बोलिए सर पहले लक्ष्मण। इसमें वित्त मंत्री लोग का था सर, पहले
बाद में सर हाँ राष्ट्र का प्रमुख लोग का अलाउ किया गया था सर, तो उसको हाँ शेरपा नाम दिया गया था सर प्रणाली को, तो हाँ उसको लिख प्रमुख सकते हैं शेरपा दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो सर। यही तो सब उसको पॉइंट मैं चाह रहा था, लेकिन आप लोग एक ही चीज पे घूमते रहे सभी लोग। कन्हाई आप क्या कह रहे हैं? कन्हाई जी नहीं सर, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छे ठीक डिटेल भी दे दिए, उससे बहुत तो फायदा मिलेगा। आप लोग इंटरनेट हंटर बनिए और इंटरनेट से ये सब जानकारियां इकट्ठा करिए, तभी काम आएगा। अभी देखिए डीआरडीओ का आप लोग देने जा रहे हैं और इसका भी शायद तिथि आ गई है ना कि नहीं आई है, सर जीएसटी आ गई वाली आ गई है, तो अब यस लैकुना सर, नहीं चलेगा। जिनको सोना है वो सोते रहिए, कोई बात नहीं। वो किसी हनी बाबा ने गाया था ना, जिसको गाना नहीं गाना हो जाकर अपनी भैंस चरा ले। तो जिनको सोना हो बेचारे आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लक्ष्य भेदन करना है तो 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम अनुवाद की तरफ बढ़े, आज्ञा हो अगर आप लोगों की तो है। आज्ञा नहीं है? यस सर, जी यस सर, सर, जरूर यस सर, जरूर। जी सर, देखिए मैंने जो अनुवाद दिया था, अनुवाद के लिए जो अंश दिया था, हर्ष है कि आप में से किसी ने नहीं किया या एक आध जन ने किया है, तो आज हम शुरू करते हैं। सर मैंने बड़ा सर, आज का हाँ अनुवाद थोड़ा बोलिए। ज्यादा कठिन लग रहा था, सजा ही नहीं पा रहा था मैं सर। अरे कठिन लग रहा है तभी तो आप हल करना है, आप लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं है। चलिए सजाना सिखाता हूं मैं, कोई दुल्हन थोड़े सजाना है कि 5-6 घंटा लगेगा। सर चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पहला वाक्य है, ए रूरल स्पोर्ट सीन बाई कोर्ट फॉर इयर्स एज वन इनफ्लिक्टिंग क्रुएलिटी ऑन एनिमल हैज नाउ रिसीव्ड जुडिशियल इम्प्रीमैटर। शब्दों की बात कर लें हम अगर, तो ये जो इम्प्रीमैटर जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि अप्रूवल मिल जाना या अनुमोदन मिल जाना या सहमति मिल जाना लीगल टर्म से। जानबूझ करके मैंने लीगल टर्म उठाया आज, क्योंकि कई बार अचानक कोर्ट का आ जाता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एक मित्र जा रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो कुछ ऐसे मसले आ जाएं तो उनको दिक्कत ना हो कि अरे यह सब तो हमने सुना ही नहीं। ठीक है, चलिए अब सजाने की बात मिठू जी करते हैं। ये रूरल स्पोर्ट्स, रूरल स्पोर्ट्स मतलब, रूरल स्पोर्ट्स का क्या मतलब होता है? रूरल ग्रामीण का मतलब ग्रामीण ग्रामीण, खेल, स्पोर्ट्स का मतलब ग्रामीण खेल। ठीक है, एक ग्रामीण खेल सीन बाई कोर्ट, सीन बाई कोर्ट मतलब जिसे न्यायालय द्वारा देखा गया, क्या देखा गया, फॉर इयर्स कब तक, बरसों तक, एज वन इनफ्लिक्टिंग क्रुएलिटी ऑन एनिमल, मतलब कोई एक ऐसा ग्रामीण खेल है जिसे न्यायालय बरसों तक यह सोचती रही कि इस खेल में जानवरों पर अत्याचार होता है, क्रूरता होती है और उनको चोट दिया जाता है, हैज नाउ रिसीव्ड जुडिशियल इम्प्रीमैच्योर, मतलब उसे अब क्या हो गया है, जुडिशियल में ऐसा न्यायिक बोलते हैं मान्यता, ना, अनुमति प्राप्त हो गई है। न्यायिक अनुमति या न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है। देखिए इसका अनुवाद मैंने ऐसे किया है, वर्षों तक जिस ग्रामीण खेल को अदालतों द्वारा जानवरों पर क्रूरता के रूप में देखा जाता था, मैंने पहले खंड खंड किया। ठीक है मिठू जी, पहले वाक्य को मैंने खंड खंड किया और बाद में इकट्ठा करता सर चला, क्लियर है? अच्छा देखिए एक चीज और ध्यान खंड दीजिए, किया है, लेकिन हाँ सर ये मैंने बात है ठीक सर, है, मैंने भी धीरे अलग धीरे अलग सीख करके किया था, है तो वैसे ही लेकिन जोड़ा वो जाएगा ना। मीनिंग, मेरा मीनिंग ऐसा नहीं देखिए निकला जैसा आपका निकला हाँ क्यों नहीं निकला, देखिए सर। मैं हाँ जरा बोलिए, हाँ सर, मेरा भी, मेरे लाइन में भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा सर। बोलिए, हाँ वर्षों से न्यायालय द्वारा जानवरों पर क्रूरता करने वाले एक ग्रामीण खेल को अब कानूनी कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है। लगभग सही है, थोड़ी सी कमी रह गई कि उसे उसे क्या क्रूरता मानते थे ना, तो वह वाक्य आपको ले आना है जिसे माना सर जाता था। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है कि क्या लिखा है सर, आप ग्रामीण बताइए खेलों में, सर मैंने लिखा कि सर, आप ग्रामीण जैसे खेलों में भी जानवरों पर क्रूर अत्याचार करते हुए पाए जाने पर न्यायालय नहीं, न्यायिका की जानवरों अनुमति प्राप्त। क्रूर अत्याचार कौन कर रहा है? देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो अनुवाद करते हैं ना, आप लोग झूठ बोलते हैं घर में? कभी झूठ बोल के सिनेमा देखने गए यस हैं?
यस सर, बड़ा आनंद आता है झूठ बोलने, कभी कभी झूठ बोलने बड़ा आनंद आता है। तो यह जो सर कला है अभी ना, सर सुनिए अभी आप अनुवाद बोल रहे की, सबको झूठ बोलने के लिए, सर कोई हाँ नहीं बोल रहा। हाँ जबकि सब बोलते हैं ठीक है। तो ये जो अनुवाद की कला है ना, कुछ इसी तरह से है कि किस मुद्दे पर या किस मौके पर कौन सा शब्द हम प्रयोग करें, यही आपको अनुवाद में सीखना है। जैसे मान लीजिए आप सिनेमा गए थे और पुरुष हैं तो बोलेंगे क्या करें, दोस्त के घर चले गए थे, उनकी मम्मी बोली बेटा आए हो तो खाना खा के जाओ, तो पापा खाना खाने में देर हो गया या मम्मी खाना खाने में लेट हो गया। अब दोस्त की मम्मी प्रेम से खिला रही थी, आंटी खिला रही थी, तो हमने खा लिया। अब अपने घर में कोई नहीं बोलेगा, वो अलग बात है कि वो सिनेमा हॉल वाली आंटी थी जो खिला रही थी, बर्गर खिला रही थी। तो समय के अनुसार आपने वर्ड प्लेस किया ना, वहां कुछ शब्द डाले, अनुवाद में भी वही है, समय के अनुसार शब्द डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जैसे आपने सर लिखा है सर वर्षों तक, हाँ हाँ हम लिखे फॉर ईयर्स वर्षों के लिए, से। हाँ वर्षों से लिख रहे हैं। फॉर का मतलब क्या होता जी है? सर, फॉर। हाँ फॉर का मतलब से या तक, दोनों होता है ना। सर से वर्षों होता से है, लिख, मैंने किया दोनों होता है, मैं गलत थोड़े कह रहा हूं, लेकिन इस वाक्य में वर्षों सर। तक। बोलिए अंशिता, सर बोलिए। मैंने यहाँ पे, हेलो, हाँ यहाँ बोलिए। पे अनुमति प्राप्त हो चुकी है ना, तो इसीलिए तक हो गया। अगर वो चल रहा होता तो शायद से होता फिर। हाँ एक और चीज है, हाँ आज उसका कट डाउन हो गया, मतलब अभी तक जिसको लोग लखैरा समझते थे, नौकरी लगते वो बाबू बन गया। होता है ना कि आज तक बोलते थे अरे नकारा है, और जो नौकरी लगी टाई लगा क्या, बोले बबुआ हम तो जानते थे तुम ही तीर मारोगे। वही बात यहाँ हुई है कि आज तक जिस चीज को गलत माना जाता था, अब उसको न्यायालय ने मान्यता दे दिया, नहीं जी ये गलत नहीं है। तो वही मैंने कहा कि शब्दों की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। आगे बढ़े अगले वाक्य में, लक्ष्मण सर जी क्या मेरा कह रहे भी हैं? एक बात सुनिए आप बोलिए। सर। एक ग्रामीण खेल जिसे वर्षों से अदालत पशुओं पर किया गया क्रूरता के रूप में देखता था, वर्तमान में उसे न्यायिक मान्यता अदालत मिली। के बाद ने होना चाहिए था, आपने ने का प्रयोग नहीं किया। देखिए कारक चिन्हों का प्रयोग मैं बता रहा था ना अभी शनिवार रविवार को, कि कितना महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान सर रखना है। किसके बाद नेक्स्ट सर? ने लगेगा ना, किसके बाद? अदालत ने जिसे देखा था। आप क्या लिख रही हैं, अदालत देखती थी या अदालत ने देखा था? दोनों रूप में चलेगा। आप क्या बोल गई, अदालत देखा था, देखा करते थे। जी सर, अदालत पशुओं पर किया गया यहाँ क्रूरता के रूप में देखता था। देखता सर था, यहाँ पे फॉर इयर्स एज वन है, तो मैंने इस एज वन को 1 साल के रूप में ले लिया। एक बार नहीं, नहीं एक बार नहीं होगा, कभी देखा करते थे ऐसे लगा सकती हैं, वर्षों तक। हाँ और किसी का कोई ये, हाँ बोलो सर, बोलिए। एक ग्रामीण खेल जो वर्षों से जानवरों पर क्रूरता के रूप में देखी जाती है, अब वो अदालतों द्वारा न्यायिक अनुमति प्राप्त कर लिया है। तो अदालतों है क्या? देखिए जरा मूल शब्द को, भावनाओं मत बहिए, जो इसमें अपने अदालतों द्वारा लिखा है अदालतों क्या? लिख दिए सर। जुडिशियल्स लिखा है क्या? होल्ड ऑन, कोर्ट्स लिखा है ना, हाँ ठीक है, अदालतों द्वारा क्रूरता के रूप में देखा जाता था, अच्छा किया आपने। ठीक है तो इसका ध्यान रखिएगा कि बहुवचन में है या एक वचन में, उसके अनुसार वाक्य संरचना कीजिएगा। ठीक है चलिए, आप लोगों ने लगभग सही बताया, आगे बढ़े। और किसी का कोई हो तो बताएं। अगला है, एन अपसर्ग इन पॉपुलर सपोर्ट ऑफ जल्लीकट्टू लेड टू लेजिस्लेटिव चेंज इन अर्ली 2017, एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम द रिगरस रिगर्स ऑफ द लॉ अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी। देखिए मैंने सबसे पहले काम किया है ना, जब इसका मैं अनुवाद करने लगा था, तो सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को ढूंढने में मैंने समय बिताया, और आज हमारी सवेरे की यात्रा की 1 घंटा, मतलब पूरा 1 घंटा मेरा उसमें निकल गया और शब्द ही ढूंढता रहा। अपसर्ग का मतलब क्या होता है? सर वृद्धि राइज, बढ़ोतरी, बढ़ना, चढ़ाव मतलब बना। वृद्धि, बढ़ जाना। पॉपुलर सपोर्ट, पॉपुलर मतलब मशहूर, सपोर्ट का मतलब इसको मैं नहीं सजा पाया था, क्योंकि सर यहाँ यहाँ आप लोग, सर यहाँ हाँ सर यहाँ पर पॉपुलर सपोर्ट का भारी समर्थन होता है सर। भारी समर्थन, वेरी गुड, हाँ ये जी प्रसिद्ध नहीं होकर के भारी होना चाहिए था। सर, हाँ मैंने गलत समर्थन में समाचार भारी लिखा है। वृद्धि, पॉपुलर हाँ क्या का लोकप्रिय नहीं करते, पॉपुलर का लोकप्रिय नहीं करेंगे यहाँ पे। लोकप्रिय नहीं, देखिए ये वाक्य जम नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लगाया जल्लीकट्टू के प्रसिद्ध समर्थन लिखा है ना,
ठीक है, तो समर्थन वो वाक्य बन नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको उसी तरह से भाव लाना है जो भाव आपको यहाँ सही रूप दे पाए। और यहाँ जैसे आप लोगों ने कहा कि इसके समर्थन में भारी वृद्धि, ठीक है, क्लियर है ना? जी यस सर। सर, बोलिए सर, आगे बढ़िए सर। हेलो सर, हेलो, इसके समर्थन में भारी वृद्धि के कारण, हाँ बोलिए। बोल रही हूँ सर, समर्थन में वृद्धि सही लग रहा है क्या? हाँ समर्थन बढ़ गया ना, अभी तक 2 ही लोग वोट दे रहे थे, अब 80 लोगों ने दे दिया, ठीक अच्छा है। अच्छा ये भारी शब्द यहाँ प्रयोग होना चाहिए था। अब देखिए, वृद्धि सर बोलिए है क्या सर शब्द में? बोलिए सर बोलिए। वृद्धि तो यहाँ है ही नहीं पर सर, यहाँ पर सर अब उसको पर्सनल पे क्या ही लिखेंगे? भारी है कोई। अपसर्ग को क्या लिखेंगे? सर मैंने सर बढ़ावा लिखा था, मतलब हाँ मैंने बढ़ावा मैंने सर लिखा उन्नति था। लिखा है सर, उन्नति। उन्नति उन्नति किसकी है होती है? सर, उन्नति तो व्यक्ति की होती है ना। आपके पास वोट बढ़ेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? अभी हाल ही में चुनाव हुआ है जलीकट्टू। कर्नाटक में, तो कर्नाटक में चुनाव हुआ है, कांग्रेस को खूब बढ़त मिली लिखा गया ना, तो हाँ बढ़त या वृद्धि दोनों एक ही चीज होता है ना। 1 मिनट होल्ड करिएगा, सर, मैडम क्लास में नहीं है आप, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ में आ रही है ये बात जली कि जलीकट्टू सर, जलीकट्टू एक गांव है जहां जिसके जिसका उन्नति तो हो ही सकता है सर। नहीं उन्नति नहीं होगा कि विकास जल्लीकट्टू इस सर? खेल का नाम है, होल्ड होल्ड, जल्लीकट्टू खेल का नाम है जिसमें अच्छा, लोग बैल से लड़ते हैं, ठीक सांड से लड़ते हैं। है। अच्छा सर, ठीक। जलीकट्टू एक जो सांडों का खेल है तो उसका नाम है। ठीक हाँ है, सांडों से लड़ते हैं थैंक वहां के लोग। यू कन्हैया भैया बताने के लिए। स्पेन में भी होता है इस तरह का, जो जलीकट्टू है ना, स्पेन में भी इस तरह का एक खेल होता है, सांड को लाल कपड़ा दिखाते हैं और उससे लड़ते हैं, हाँ वो बुल रेस होता बुल रेसिंग है, उसी को है। यस यहाँ सर, बुल जलीकट्टू रेसिंग में मनाते हैं। इसका रोडियो। एक मिनट एक मिनट, हेलो, हाँ जी मैडम, उसके क्लास में नहीं है? हाँ क्लास चल रही है, ज्वाइन करिए। ठीक है चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए यह जो वाक्य था मेरे लिए बड़ा कठिन था, मैं स्वीकार करता हूँ, आप लोग पता नहीं करें ना करें। एन सर अपसर्ग इन पॉपुलर सपोर्ट फॉर जल्लीकट्टू, इस वाक्य का पहले अनुवाद करेंगे, मतलब जल्लीकट्टू के समर्थन में हुई भारी वृद्धि, पॉपुलर को हम प्रसिद्ध लिख रहे थे, बात बन नहीं रही थी इसलिए वहां छोड़ दिया हमने। जल्लीकट्टू के समर्थन में भारी वृद्धि के कारण, लेड टू है ना, तो लेड टू इसके कारण यह हुआ बोला जाएगा। लेड टू क्या? लेजिस्लेटिव चेंजेस इन अर्ली 2017, क्या हुआ इससे बताइए? सर पहले लेजिस्लेटिव का समय क्या मतलब पहले हुआ? क्या? आएगा ना, तो समय पहले आएगा ना अनुवाद में। सर हाँ बोलिए। 2017 मैंने में, 2017 ये देखिए के इसका शुरुआत होगा, में 2017 के प्रारंभ में विधायी परिवर्तन हुए, या फिर क्या परिवर्तन हुए? हाँ बोलिए। सर मैंने स्टार्ट किया वर्ष 2017 के शुरुआत में। हाँ ठीक है, एक ही बात है, आगे। जलीकट्टू के उन्नति में भारी समर्थन के लिए हाँ विधिक उल्टा हो गया, परिवर्तन लाया गया। जल्लीकट्टू के समर्थन में भारी उन्नति या भारी वृद्धि। अच्छा, वृद्धि के लिए विधिक परिवर्तन लाया गया। अच्छा वृद्धि के कारण जैसे क्या सर, हुआ कि कोई भी एक कानून ले लीजिए, जो भी नया कानून बनता है, जैसे आरटीआई का कानून आया, आरटीआई का कानून तब आया जब इसके लिए काफी विरोध हुआ, ठीक है, तो उसके कारण हुआ तो कारण आपको दर्शाना पड़ेगा। आगे बढ़िए। एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम रिगर्स ऑफ द लॉ अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी, क्या होगा? रिगर्स का क्या मतलब होता है? RIGOURS, कठोरता, यस, कठोरता। होता। हाँ तो जिसे रिगर्स ऑफ लॉ मतलब कानून की कठोरता, क्या होगा इसको? सब बैठाइए, गाना बैठाइए इसका। सर मेरा थॉट देखिएगा सर, हाँ बोलिए। जानवरों से क्रूरता के खिलाफ कानून में कठोरता का छूट भी लाया गया। इस जानवरों के खिलाफ क्रूरता, जानवरों से क्रूरता के खिलाफ पशुओं कानून में के कठोरता खिलाफ का क्रूरता, ये कानून की कठोरता कठोरता,
कानून की सर। हाँ, कठोरता से छूट मिली, ठीक है, सही जा रहे हैं। और कोई ठीक है सर। मेरा तो पूरा अलग ही हो गया सर। क्या हुआ बताइए। सर मैंने लिखा जल्लू जलीकट्टू के जन समर्थक जिसने 2017 के ये वृद्धि। हाँ बारी, अच्छा लिखा आपने, आगे। जिसने 2017 के विधायी परिवर्तन का नेतृत्व किया। नेतृत्व तो नहीं होगा ना, नेतृत्व तो कौन करेगा, कोई लीडर होगा वो करेगा ना, या तो लीडर है नहीं कोई। सर जन समर्थकों सर एक बार सुन लीजिए सर पूरा। बोलिए बोलिए। जलीकट्टू के जन समर्थक जिसने 2017 के विधायी परिवर्तन का नेतृत्व किया आमा में काफी वृद्धि हुई है। नहीं 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 गड़बड़ हो गया अंशिका, गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए समर्थक तो नहीं है, यहाँ कहीं समर्थक है। आप मूल वाक्य में देखिए, अपसर्ग इन पॉपुलर सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब समर्थन होता है, सपोर्टर नहीं है ना, उसके समर्थन में वृद्धि हुई, समर्थकों में नहीं, सपोर्टर्स होता अगर यहाँ तब आप समर्थक लिखती। यहाँ थोड़ी सी चूक हुई है, नहीं तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा जा रहा है, शब्द खाली गड़बड़ कर गई। चलिए और कोई। हाँ लक्ष्मी बोलिए। 2017 के शुरुआत में जलीकट्टू का अधिक समर्थन के कारण वैधानिक परिवर्तन किए गए जिससे जानवरों की क्रूरता के विरुद्ध कानून की कठोर परिस्थितियों से छूट मिली। ठीक है, समवॉट ठीक है, नजदीक है। नेक्स्ट सर मैं बोलूं। हाँ बोलिए। शुरुआती 2017 में जलीकट्टू नहीं, 2017 के शुरुआत में स्वाति, 2017 की शुरुआत में जलीकुट्टा के बढ़ते हुए प्रसिद्धि से विधिक परिवर्तन आए जैसे पशु क्रूरता उनसे छूट। खराब हो गया बाबा, खराब हो गया। जैसे एज तो है ही नहीं इस वाक्य में, देखिए मूल वाक्य में कहीं एज है, जो चीज नहीं है वो नहीं ले आना है जबरदस्ती। चलिए और कोई, और कोई अपना बताए। सर जानवरों के उत्पीड़न के खिलाफ क्रूर कानूनी नियमों से छूट मिली। वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रयोग किया आपने शिल्पी जी, ठीक है सिंपी जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। नेक्स्ट और कोई। क्या बोला, फिर से बोलना जरा तुम। सिंपी बाद में मैसेज कर दीजिए ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट बोलिए, नहीं तो बोलते रहेंगे समय बीत जाएगा। नेक्स्ट और कोई बोलेगा या मैं आगे बढ़ूं, लास्ट एक आदमी और कोई बोल सकता है। ठीक है सब मौन है, किया नहीं लोगों ने कन्हाई को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य है, 6 years after the amendment ended a court order ban, यहां शुरू करेंगे। 6 years after amendments ended a court order ban, ये जो वाक्य ये सजाने में मुझे सचमुच पसीना आ गया था, आप लोगों में किसी ने किया हो तो बताएं। यस सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, के कोमा तक सर, पहला कोमा जो है ऑर्डर बैन। क्या पसीना सर, मेरे तो सर अब आपसे ही करवाएंगे सही। हाँ सर ये कोमा तक सर सुनिए, एक एक शिकायत। अच्छा ठीक है सर। सुधार के 6 वर्षों के पश्चात न्यायालय आदेश प्रतिबंध समाप्त हो गया। नहीं थोड़ा सा चूक गए। चलिए शिखा बोलिए। संशोधन के 6 वर्ष बाद न्यायालय ने बंद किया, ऐसा सब मैंने जो किया है। कमी रह गई थोड़ी सी। चलिए कानून में संशोधन के 6 वर्ष बाद न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया। नहीं नहीं अब मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बताऊंगा। हाँ बोलिए संशोधन समाप्त होने के 6 वर्षों बाद अदालत के आदेश पर प्रतिबंध लगा। एंड हुआ है, लगा हो गया, एंड का मतलब शिक्षा स्वाति। समाप्त सर, संशोधन एंडेड माने सर समाप्त होना ना सर। ठीक है मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे। 6 year का मतलब हो गया 6 साल है ना, 6 साल ये सर, 6 साल। हाँ आफ्टर द अमेंडमेंट लिखा है सर, सॉरी सुनिए सर, या 6 years लिखा है, 6 साल लिखेंगे या 6 सालों लिखेंगे। 6 सालों लिख लीजिए, 6 साल यहाँ चलेगा, साल को सालों नहीं लिखते, 6 वर्ष काफी है। इसीलिए सर 6 वर्षों लिखे थे सर वहाँ पर। कोई बात नहीं, 6 वर्ष हो गए ग्रामर के अनुसार। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 6 year समझ में आया है। 6 year a court ordered ban,
ठीक है, यहां देखिए आपको यह समझने का प्रयास करना है, सिक्स ईयर तो हो गया, क्या समय हो गया, बैन किसने किया था, कोर्ट ने किया था, न्यायालय ने, तो सब्जेक्ट यहाँ हो गया न्यायालय, तो कोर्ट ऑर्डर्ड बैन मतलब न्यायालय ने 6 साल पहले क्या किया था, प्रतिबंध का आदेश दिया था, वह कब खत्म हुआ, अमेंडमेंट इन डेट, मतलब अमेंडमेंट जो संशोधन आया इसने 6 साल पुराने न्यायालय के प्रतिबंध के आदेश को खत्म किया, नहीं सब चुप है इसका मतलब नहीं, सर आफ्टर देखिए सिक्स ईयर आफ्टर इसे बताता हूँ, सिक्स ईयर्स आफ्टर मतलब 6 साल बाद, किसके 6 साल बाद बताइए, आफ्टर ए कोर्ट ऑर्डर बैन मतलब न्यायालय ने जो प्रतिबंध लगाया था उसके 6 साल के बाद द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ने क्या किया, इसे खत्म कर दिया, संशोधन ने इसे खत्म कर दिया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी बात, अमेंडमेंट ने क्या किया, कोर्ट ऑर्डर बैन को खत्म किया, क्योंकि न्यायालय ने तो बोल दिया था जलीकट्टू नहीं मना सकते, तो वहां की जो विधानसभा है, हाँ शिखा बोलिए, शुरुआत हम लोग मतलब न्यायालय से करेंगे, देखिए इसको कई तरह से लिख सकते हैं, देखिए न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के 6 साल बाद संशोधन ने इसे खत्म किया, एक इस तरह से मतलब मैं रफ बता रहा हूँ अभी फाइनल नहीं बता रहा हूँ, या ऐसा कर सकते हैं कि न्यायालय द्वारा लगाए गए 6 वर्ष पूर्व न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को इस संशोधन ने खत्म किया, अभी पूरा वाक्य नहीं खाली अधूरा मैं बता रहा हूँ अभी, इसका सर हाँ बोलिए सर, कौन सा न्यूज पेपर, बहुत कठिन है सर, ये हो ही नहीं रहा है सर, सज ही नहीं रहा है सर, ये मैंने किया है सर 6 साल बाद, हाँ न्यायालय के प्रतिबंध के आदेश से संशोधन को समाप्त कर दिया गया, ये एक्चुअल में इसका ऐसा जाना चाहिए न्यायालय द्वारा लगाए गए लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को समाप्त करने वाले संशोधन के 6 वर्ष के पश्चात, ना ये मैं भी नहीं कर पाया हूँ, उसको समय नहीं मिल पाया था, ठीक है, ये देखिए किसके लिए यूज हो रहा है सर, आफ्टर अमेंडमेंट के लिए हुआ है ना, ये देखिए सिक्स इयर्स आफ्टर द अमेंडमेंट इंडेड कोर्ट ऑर्डर बैन, मतलब क्या है कि अमेंडमेंट, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन ने कोर्ट ऑर्डर बैन को खत्म किया था उसके 6 साल के बाद, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध आदेश को खत्म करने वाले संशोधन के 6 वर्ष बाद, संशोधन 2007 में कदम किया था, नहीं अभी से पीछे चले जाइए 7 साल, 13-14 में हुआ था, कुछ डेट है उसका, आएगा आगे आएगा, सर इसको जब कर रही थी तो इसमें 3 चीज दिखाई दी, एक तो 6 साल, हाँ 6 साल बाद, दूसरा था कि संशोधन द्वारा, और तीसरा है कोर्ट, तो इसमें सर ये जो है 6 ईयर आफ्टर, तो इसको मैं मेरा 2-3 तरह से बन रहा था, तो उसमें एक जो ठीक लग रहा है वो है कि 6 वर्ष से न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संशोधन द्वारा हटाया गया, तो सर ये कोर्ट का ऑर्डर था उसको हटाया गया है न्यायालय द्वारा, यही तो संशोधन द्वारा मतलब न्यायालय का ऑर्डर था, न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करने वाले संशोधन के 6 वर्ष बाद, आगे की घटना पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, हम लोगों की कमी क्या है, हम लोग पहले लाइन में उछल जाते हैं, उसके 6 वर्ष बाद क्या आदेश आया, द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द चेंजेस मेड बाय द तमिलनाडु असेंबली, ये है सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा दिए गए संशोधन को क्या किया, क्या किया, अपहेल्ड का क्या मतलब है, सही ठहराया, वेरी गुड, इसको देखिए आप जैसे मैंने यहाँ शुरू किया है, ये देखिए संशोधन न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को
खत्म करने वाले संशोधन के 6 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को सही ठहराया। सर हाँ सर, मेरा सुनिए क्या, जरा बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सही ठहराया। यही लाइन टू लाइन ये है पूरा। हाँ एकदम सही है, एकदम सही जा रहे हैं। मैं तो देखिए टुकड़े टुकड़े में करके इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ना, न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करने वाले संशोधन के 6 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय सही ठहराया। हाँ सर, ये जो लाइन है सर यहाँ पर सर, ये कर्ता के बाद डायरेक्ट कर्म आएगा, उसके बाद ना सब सजेगा सर। हाँ कैसे सजेगा बताइए। जैसे कर्ता हुआ सर्वोच्च न्यायालय, कर्म तमिलनाडु विधानसभा, और उसके बाद द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सही ठहराया। एकदम सही है, ठीक है सर, यही ऐसे ही किया पूरा। हाँ आगे बढ़े, बोलिए आगे। और नहीं लिखा था सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा बनाया गया परिवर्तन को सही ठहराया। सही ठहराया, वेरी गुड, सही है। लाए गए परिवर्तन, परिवर्तन लाया जाता है, बनाया नहीं जाता है, फिर भी चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए किए गए तमिलनाडु द्वारा किए गए परिवर्तन को सही ठहराया। हाँ और उसके साथ ही क्या कहा उन्होंने, पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू। हाँ आगे बढ़िए, चलिए आगे। अगला वाक्य है एज वेल एज, इसके साथ ही होगा, द कल्चरल सेंटिमेंट बिहाइंड द जल्लीकट्टू, मतलब उसको तो सही ठहराया ही, उसके साथ जल्लीकट्टू के पीछे कल्चरल का क्या मतलब होता है, सांस्कृतिक भावना। अब ये सांस्कृतिक भावना क्या है, ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट, मतलब एक पारंपरिक खेल है जिसमें पुरुष क्या करते हैं या आदमी क्या करते हैं, खूंखार सांड को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और जानते हैं सर। हाँ बोलिए। भावना की सर, ये एज वेल एज सर और का काम करा, और जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक भावना को भी सही ठहराया। हाँ ये मैंने हाँ बोलिए सर, मैंने किया है कि जल्लीकट्टू जो कि एक सांस्कृतिक खेल है जिसके पीछे भावनात्मक लगाव है तथा जिसमें पुरुष उग्र सांड को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ज्यादा मशीनी हो गया अंशिका, आप ऐसा लिख सकती है ना कि पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू, बस इतना ही लिख दीजिए चल जाएगा, उससे जुड़े सांस्कृतिक भावनाओं को। पारंपरिक खेल जिसमें पुरुष को उग्र पैर को नियंत्रण करने की कोशिश करता है, जिसमें पुरुष आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो शब्द हैं, देखिए कठिन शब्द जो हैं, 5 मिनट हम और करेंगे। तो सुन नहीं पाया, आवाज क्लियर नहीं, लक्ष्मी बोलिए फिर से। मैंने साथ ही साथ लिखा है तो क्या ये सही होगा? साथ ही साथ सही है, एकदम साथ ही साथ ही होना चाहिए सर। यहाँ पे और भी चलेगा ना सर, और के साथ एज वेल एज है ना, एंड नहीं है ना, शब्दों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सर क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है दोनों पर सही ठहरा रहा है सर, वहां पर भी यहाँ नहीं होना है। सुनिए ना मिठी जी, परीक्षा में हमको बेलगाम नहीं होना है उस सांड की तरह से, नहीं तो एग्जामिनर हमको ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये बोल क्योंकि सर एंड ना बहुत पहले दिमाग में आता है करने से, जो सरल वर्ड है वो सही रहता है कि नहीं, इसके साथ ही आप दिमाग में बैठाइए, इसके साथ ही एज वेल एज कर, नहीं तो हमारा भी वही सांड वाला दशा होगा। इसके साथ ही साथ ही साथ इसके साथ ही या इसके साथ ही बाद में आफ्टर नहीं है ना, ठीक है आगे बढ़े। इसमें कुछ वो है क्या बोलते हैं, लीगल वर्ड्स हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अपहेल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, और ये पास्ट टेंस में है, अपहोल्ड से आया है, इसका सिनोनिम्स मैंने दे दिया, वो आपको मैं भेज दूंगा। और इसमें रेजिंग एक शब्द है, वो एडजेक्टिव है, रेजिंग का मतलब होता है ब्लड शेड या वायलेंट या फिरोसियस। यही खत्म करें, आगे आप लोग करेंगे फिर कल चर्चा करें इस पर, क्या लगता है? पूरा हुआ भी नहीं। कल हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी सर।
इसका जो इस पैराग्राफ में जो कठिन वर्ड्स है उसका एक बार आप नहीं भेज दीजिए ग्रुप में। कठिन शब्द मैं भेज दूंगा आप लोगों को, और एक बार आप लोग भी एक्सप्लोर करिए। मुझे मिला है क्या लगता है? चलिए मैंने ग्रुप में डाल दिया है अभी तक का जो मैंने किया था, इंक्लूडिंग बाद के दो पैरा, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज की चर्चा में यहाँ तक काफी है। ठीक है, कोई और प्रश्न हो तो बताएं आप लोग, नहीं तो फिर हम समाप्त yes, करेंगे। कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो बंद करें। अब सर पूरा बिखर बिखर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको मैनेज करें। अंशिका जी ऐसे ही करना होगा,